हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। जिन्हें पास्ता पसंद है, जिन्हें चीज़ पसंद है, उन्हें ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम डालेंगे नमक और अब हम डालेंगे इसके अंदर बड़े बोल से 1 बोल के करीब पास्ता। 1 प्याला हम इसके अंदर पास्ता डालेंगे और ये पास्ता हम इसके अंदर डाल के इसे हम उबालेंगे। और ये देखिए, ये उबलना शुरू हो गया है। इसे हम उबलने के लिए इसी में रहने देते हैं और अब हम व्हाइट सॉस की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे बटर और जैसे ही हमारा जो बटर है मेल्ट होने लगेगा, ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है, मेल्ट हो गया है ये। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच के करीब मैदा लिया है। आप 2 से 3 चम्मच मैदा लेंगे, छोटे चम्मच से 2 से 3 चम्मच मैदा लेके इसे हम भुनेंगे। और हमें इसका जो कलर है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन चला जाए इतना ही हम इसको भुनेंगे। और ये देखिए, ये भुन गया है। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। छोटे ग्लास से मैंने 1 ग्लास ये दूध लिया है, बड़े ग्लास से देखा जाए तो 1/2 ग्लास दूध है। और इसी ग्लास से 1/2 ग्लास दूध मैं बाद में डालने वाली हूँ। और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। जो बचा हुआ 1/2 ग्लास और दूध जो मैंने कहा था वो डालेंगे। अब हम इसके अंदर वो भी डालेंगे। और इस तरीके से मिक्स करेंगे हम। अब हम इसके अंदर 4 चम्मच के करीब ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। 4 से 5 चम्मच आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं। और इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे और तब तक इस तरीके से करेंगे जब तक जो चीज़ है वो मेल्ट होके दूध और मैदे में मिक्स ना हो जाए। मिक्स हो गया है ये। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स और अब हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक थोड़ा सा हमने इसलिए लिया है क्योंकि बटर में भी नमक था और चीज़ में भी नमक है, इस वजह से हमने इसमें नमक थोड़ा कम डाला है। और हम सब्जियों में भी नमक डालने वाले हैं तो इसलिए हम नमक कम डालेंगे। और ये देखिए, हमारा जो व्हाइट सॉस है वो रेडी हो गया है। और यहाँ ये जो पास्ता है वो भी आप देख पा रहे होंगे, वो भी उबल गया है, साइज़ में भी पहले से बड़ा हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये जो पास्ता है अब हम क्या करेंगे, इसका जो पानी है उसे हम निकाल लेंगे। पानी हमने निकाल लिया है ये छन्नी की हेल्प से। इसके अंदर हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल और तेल डालने के बाद इसे हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें डालेंगे तेल या बटर। इसके अंदर डालेंगे 2 हरी मिर्च, आप इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं, लहसुन, उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। प्याज डाला मैंने इसके अंदर, शिमला मिर्च डाली, गाजर डाला और यहाँ पे ये बॉइल्ड कॉर्न है, मकई, टमाटर। अब हम इन सभी चीज़ों को इस तरीके से 1 से 2 मिनट हम इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है क्योंकि मैंने वही सब्जियों का इस्तेमाल किया है जो थोड़ी कच्ची भी अच्छी लगती हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर और बस। अब हम इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो पास्ता है वो हम इसके अंदर डालेंगे और इस तरीके से हम ऊपर नीचे इसे करेंगे। और इसके अंदर अब हम डालेंगे जो हमने व्हाइट सॉस रेडी किया था वो। व्हाइट सॉस डालने के बाद हम इसे फिर से ऊपर नीचे इस तरीके से करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लो फ्लेम पे मैं इस तरीके से मिला रही हूँ, सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये मिक्स हो गया, ये रेडी हो गया है और ये हमने डाला इसे प्लेट में। कितना बढ़िया दिख रहा है ये। अब प्लेट में डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़। थोड़ी सी चीज़ डाली हमने और चीज़ डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके ऊपर एक, ये हमने मिंट लीफ रखा। और ये देखिए, जो हमारा व्हाइट सॉस पास्ता है रेडी हो गया। थोड़ा सा डालेंगे हम चिली फ्लेक्स और जो हमारा पास्ता है वो रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि जिन्हें पास्ता पसंद है, जिन्हें चीज़ पसंद है, उन्हें ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।